नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान में। जो टॉपिक है वो हमारा है कोयला और पेट्रोलियम। हमने पिछले वीडियो के अंदर कर इसी पार्ट के अंदर संबंधित प्राकृतिक संसाधन पढ़े थे। उन प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक अक्षय और दूसरा होता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। और हमने बात की थी जीवाश्म ईंधनों की, कि जीवाश्म ईंधन है वो कौन से हैं, तो वो है कोयला व पेट्रोलियम। और इस पाठ के अंतर्गत हम वो ही पढ़ेंगे पूरा का पूरा, कि कोयला और पेट्रोलियम समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या सीख मिलती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। इनके अंतर्गत हम खुद जागरूक हैं, क्योंकि इनकी मात्रा सीमित है। इन सीमित मात्रा में हम उपयोग इनका उसी तरीके से करें जिसका आने वाली पीढ़ी भी इनका उपयोग कर सके। तो आज हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, हमने पढ़ा था कोयला, कोयले के उपयोग, और इसमें आज हम पढ़ते हैं कोयले की कहानी तथा हमें कोयला कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। हाँ, देख क्या है कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से 300 मिलियन वर्ष पूर्व, इस पृथ्वी के ऊपर, जो इस पृथ्वी के ठीक निचली परत के ऊपर थे, वो पौधों के अंदर घने निचले स्तर में घने जंगल, बाढ़, भूकंप या किसी ज्वालामुखी के प्राकृतिक इन प्रकोपों पर के कारण ये धीरे धीरे मृदा के अंतर्गत नीचे दब गए, और धीरे धीरे इनके ऊपर अधिक मिट्टी आने के कारण ये संपीड़ित होते गए, और जो जो मृदा आई ये गहराई में चलते गए, और ये अधिक गहराई में जाने के कारण इनका दाब भी क्या हो गया, ताप भी क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ दाब भी बढ़ गया और दूसरा क्या बढ़ गया, ताप भी बढ़ गया। तो उच्च दाब व उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मर्द पेड़ पौधे थे, वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गए, ये धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। मर्द वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। इसके मत वनस्पतियों के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। यह है किसकी कहानी, कोयले की कहानी, कि कोयला हमें कैसे प्राप्त होता है। हम जमीन के अंतर्गत गहराई से खोद करके इस कोयले को प्राप्त करते हैं। कोयले की क्या होती है, खाने। अब यहाँ कोयला वहां प्रकृति के अंतर्गत नीचे बना कैसे, तो पहले 300 मिलियन वर्ष पूर्व ये पेड़ पौधे थे, ये क्या हो गए, नीचे दब गए थे। किसके कारण, प्राकृतिक प्रकोप के कारण, और धीरे धीरे उनका रूपांतरण किसमें हो गया, कोयला। ध्यान क्या रखना, इस कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है, कोयले में क्या होता है, तो हमने सोचा कि कोयले का प्रतीक क्या होता है और कोयले के अंतर्गत क्या होता है। देखिए, कोयले के अंतर्गत मुख्य रूप से ध्यान रखना कार्बन, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, कार्बन होता है। ये कार्बन, इस कार्बन का प्रतीक क्या होता है, पता है आपको, इस कार्बन का प्रतीक होता है सी। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6, परमाणु क्रमांक की ये या परमाणु संख्या कहते हैं का, तो कितना होता है 6, ये 6। और इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है, 12, ये होती है 12 होती है, परमाणु द्रव्यमान संख्या 12। कार्बन डेटिंग के अनुसार हम किसी का आयु का निर्धारण करते हैं, कार्बन एक समस्थानिक है, कार्बन शब्द डेटिंग के अनुसार हम आयु निर्धारण के अंतर्गत इस कार्बन तत्व का उपयोग करते हैं। यहाँ कार्बन ये किससे प्राप्त होता है, मर्त, किसे, मर्त वनस्पतियों की अवशेषों से प्राप्त होता है। हम इस कोयले को क्या कहेंगे, यह एक क्या है, यह एक जीवाश्म ईंधन है। क्यों है, क्योंकि यह मर्त वनस्पतियों की अवशेष से प्राप्त होता है। कोयले में क्या होता है, तो कोयले में क्या होता है,
अब कोयले को जब वायु में जलाया जाता है, कोयले को क्या करते हैं, वायु में जलाने का, कोयले को वायु में जलाने का, आपको पूछने कि कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो कोयले को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाई गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड। अब कोयले का प्रतीक क्या है, क्या होता है, सी, यानी कोयले में क्या होता है, कार्बन, कार्बन का प्रतीक सी। वायु किसकी उपस्थिति में जलता है, कोई दूसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो क्या बन गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। औद्योगों के अंतर्गत इस कोयले के प्रक्रम या कोयले का उपयोग करके बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, धातु बनाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो उद्योगों में कोयले के प्रक्रियाण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण से कुछ उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं, से कुछ उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं। कौन कौन से है, तो एक तो होता है कॉक, दूसरा होता है कोलता, और तीसरा है वो है कोयला गैस। कौन सा है, कोयला गैस, यह है उत्पाद बनाए। अब हम इसी के बारे में, इनके कोयले के उपयोगी उत्पाद, कोयले के से बनाए जाने वाले ये उत्पाद हैं, इन उत्पादों के क्या गुण हैं, इन उत्पादों का हम कहाँ उपयोग करते हैं, ये हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।